अमित शाह फेक वीडियो मामला, दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम समेत 8 लोगों को दिया नोटिस, एक गिरफ्तार। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के फेक वीडियो मामले में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये गिरफ्तारी असम से हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी समेत 8 लोगों को नोटिस जारी किया है। इन 8 लोगों में से 3 उत्तर प्रदेश के हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री समेत 8 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। सभी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है, साथ ही सबको अपने मोबाइल लाने के लिए भी कहा गया है। दूसरी ओर मुंबई में भी अज्ञात शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट का भी जिक्र है। क्या है पूरा मामला? दरअसल अमित शाह का फेक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वे कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म कर देंगे। फैक्ट चेक में ये वीडियो फेक साबित हुआ, जिसके बाद गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम तेलंगाना में है और टीम ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। डरने वाले नहीं तेलंगाना मुख्यमंत्री। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा था कि सोशल मीडिया पर प्रसारित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फर्जी वीडियो के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें जांच के लिए नोटिस जारी किए जाने से वे डरने वाले नहीं हैं। पड़ोसी राज्य कर्नाटक के सेडम में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए रेड्डी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक चुनाव जीतने के लिए ED और CBI जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करते रहे हैं और अब वह दिल्ली पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रेड्डी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस के कर्मी हैदराबाद स्थित तेलंगाना कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा था सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए गए थे, वे इस संबंध में नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन पहुंचे। हम तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार करेंगे। रेड्डी ने दावा किया कि चुनाव में तेलंगाना और कर्नाटक में भाजपा की हार होगी। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई थी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया था कि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो के सिलसिले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को 1 मई को जांच में शामिल होने को कहा। सूत्रों के अनुसार रेड्डी ने उक्त वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था। रेड्डी को पूछताछ के दौरान अपना मोबाइल फोन साथ में ले जाने को कहा गया है, जिसका इस्तेमाल फर्जी वीडियो एक्स पर साझा करने में किया गया था। रेड्डी कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।